रोड है यार, ये दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं। जब जाने का बिल्कुल अभी आपको मेरे हाल से आइडिया हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रॉम नथिया गली टू अवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान अप क्लोज। काशी साहब गुड मॉर्निंग, ठीक हो? 10 हो गए हैं तो काशी साहब ने अख नहीं खुलती, बड़ा औखा ठा लिया इन्हें कि उठो भाई जी फिर चनासी चलिए। काशी साहब क्या मूड है, उठो ना। हेलो उठी जा, काजी साहब ने उठने का कोई इरादा नहीं रखा हुआ। आपको बाहर का सीन दिखाते हैं। ओ सामने होटल है जी, कौन सा रईस खाना, बाहर बर्फ पड़ी हुई है। सुबह तो हमारी हो गई है लेकिन लेकिन रात बड़ी मुश्किल थी। कितना टेम्परेचर था जी? -5 का टेम्परेचर था और जो चीज कंबल से बाहर होती थी ठंडी यख हो जाती थी। ये फायदा था कि पानी गर्म है लेकिन अभी जब नलका खोला तो गर्म पानी कोई नहीं आ रहा और दूसरा पानी भी कोई नहीं आ रहा। अभी कंगड़ा धोएंगे, अभी जाके बाहर बाजार से एक दो चीजें लानी है, फिर नाश्ता तैयार करूंगा, उसके बाद फिर जो है वो निकलेंगे। फिर जी किस तरफ निकलेंगे हम? फिर चनासी या घर? फिर चनासी यहाँ से तकरीबन कोई 125 किलोमीटर शो कर रहा है। नाश्ता हो गया जी हमारा रेडी, चाय बना ली हमने, चाय डाली जी, अंडे वही रात वाले गर्म कर लिए हमने। हाँ जी होटल से हम निकल आए हैं और अभी प्रोग्राम है, तैयारी पकड़ ली है सर। तैयारी पकड़ ली है जी, किधर निकले? अभी पहले यूबीआई नेशनल पार्क चलते हैं, ठीक हो गया, उधर का राउंड लगा के फिर आगे चलते हैं उधर पीरचनासी। पीरचनासी पहुँच जाएंगे शाम तक, मुश्किल है फिर बात आके सूरज पे पहुँच गई। नहीं शाम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ इस वक्त जो है नथिया गली की सूरत हाल, ये है जी नथिया गली, ये सामने होटल है यहाँ पे हम ठहरे थे और ये है जी इसके बाद ये व्यू आ रहा है। ये नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है, तकरीबन हफ्ता दो हफ्ता पुरानी बर्फ़ है ये। ओ बिल्कुल बेहतरीन मौसम है इस टाइम आने का, जो है ना बेहतरीन मौसम है। ये ऊपर पार्क है जहाँ पे फैमिली वगैरह या जा सकते हैं थोड़ा साइड पे व्यू इंजॉय करने के लिए। और अभी हम निकलते हैं व्यू नेशनल पार्क की तरफ, वो चल के फिर आपको दिखाते हैं।
ओहो, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया काशा साहब। काशा बर्फ इस ब्रेक लाइन है असल इधर जो है ना बर्फ। ये देख रहे हैं आप, ये बर्फ जमी हुई है जो है ना, ये बर्फ जमी थी और यहाँ से स्किड कर दी। शुक्र है कि और बाइक ने स्किड किया, कंट्रोल करने की हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो सका कंट्रोल। कंट्रोल गया है ना, थ्रिल हो ही गया जो कल से हसन साहब चाह रहे थे। हाँ साहब और खुश हो गए, भी आपने तोड़ ली अपनी सेल्फी स्टिक भी टूट गई, मोबाइल जाओ बच गया। इधर से इधर आप साइड पे हो जाए, कुछ टांग ना तोड़वा लेना अपनी। चलो बड़ी मुश्किल से बचे हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोटरसाइकिल जो है वो हमारा बिल्कुल सेफ है क्योंकि स्पीड हमारी बहुत हल्की थी, मैं तो बच गया। ग्लव्स पहने हुए थे, देखे ग्लव्स हो गया, ग्लव्स तो पहने थे, मैं तो भाई जी पीछे गिरो बैग, बैग के ऊपर कमर साफ। ओहो, ये बैग से आपकी पैंट बिल्कुल ब्लैक होगी, कमर साफ है, पैंट गद्दी होगी। कितने जाना बैग में निकला था मैं, मैं क्या सी कपड़े ठीक है। नहीं सर अभी इरादा है फिर 84 जाने का, बिल्कुल अभी आपको मेरे हाल से आइडिया हो गया, यहाँ पे उठाने वाला भी कोई नहीं है, खुद ही उठना पड़ेगा। वैसे एक जो चाचा है तो उठाने वाले थे, वो भी हमें गिरता हुआ देख के वो भी भाग गए। वही भाग गए मते गिरे कार ले गए। देखिए जी बर्फ कितनी पड़ी हुई है दरख्तों पे। जी व्यूअर्स, हमारा प्लान था पीर 84 जाने का मरी वाली साइड से, रात का पता चला जी तो कह रहे पीर 84 वाली साइड पे ना जाए, पीर 84 वाली साइड बाइक पे वो सेफ नहीं है क्योंकि इससे पहले अभी एक छोटा सा हादसा हो चुका है हमारे साथ, अल्लाह ने किया कि बचत हो गई हमारी, बाइक से गिरे हैं तो लेकिन यह कि बच गए शुक्र है अल्लाह का। तो अभी हम आके धूप में रुके हैं, थोड़ी सी रेस्ट की है, तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि 84 कैंसिल और मरी जाने की बजाय, क्योंकि रात को कल हम इसी साइड से ही आए थे तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे फिर नथिया गली से आगे अब्टाबाद वाले रास्ते से गलियात वाली जो रोड है ये कवर करते हुए अब्टाबाद से वो फिर सुहावा रोड उसी साइड पे जाएंगे ना, वहाँ से वापसी होगी ना, उधर से कर लेंगे, तो वहाँ से घूम के जो है ना घर वापस चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। क्योंकि जो है ना मसला यह है कि अगर अभी तकरीबन एक के करीब हो गया टाइम, अभी अगर हम पीर 84 जाते हैं तो जफराबाद तो हम पहुंच जाएंगे लेकिन आगे जाना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उसके लिए हमें एक दिन और स्टे करना पड़ेगा तो वो हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा स्टे, तो बेहतर मेरे ख्याल से यही फैसला है कि यहाँ से जो है ना अभी हम वापस चलते हैं तो रास्ते में जो अच्छा पॉइंट आया वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, आपको भी दिखाएंगे खुद भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। वैसे हमारी ये है कि ओवरऑल इंजॉयमेंट बेहतरीन हो गई है कि जहाँ पे हम रुके हैं बड़ा अच्छा सा होटल है, बंद पड़ा हुआ है, बर्फ़ पड़ी हुई है चूँकि बर्फ़ की वजह से, मैं आपको दिखाता हूँ ये है जी रोड साइड कैफ़े, दूंगा गली से थोड़ा सा आगे आता है, ये देखें ज़रा बर्फ़ के हालात, इस तरह बर्फ़ पड़ी हुई है क्योंकि बर्फ़बारी तो काफ़ी टाइम से हुई नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना मसला यह है कि रात को जो टेम्परेचर हो जाता है ना माइनस में, उससे जो रोड पे कोहरा जमता है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, इसी वजह से तो आगे हम गिरे हैं, वहाँ से पानी क्रॉस कर रहा था, उतराई भी थी मोड़ भी था तो वहाँ से गिरे हैं हम। बहरहाल अल्लाह पाक ने करम किया है तो अभी वापसी घर की तरफ निकलते हैं और यहाँ पे कोई जगह अच्छी लगी वहाँ पे स्टे करेंगे, कुछ खाए पियेंगे। चले काजी साहब चलो जी।
दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, ज़बरदस्त नई बनी हुई रोड है बिल्कुल, वाह। यहाँ पे जो अभी से धूप पड़ रही है, कभी धूप कभी छाँव, मज़े मज़े के कर, बस कोहरा दोबारा से वापस ना आ जाए वरना फिर हम रोड पे होंगे। ये बच्चा कितना स्वीट है इसका। बुजो बुजो चलें जी। काशिप भाई चाय का इंतजाम करें ना जरा अच्छा सा। रोड है, रोड के साइड पे रुके हैं कि नीचे देखें जरा, पीछे बंदर थे इसलिए वहां पे हम रुके नहीं, ये ना हो कि चाय बनाए हम और पी बंदर जाएं। अच्छी सी चाय बनानी है, गाड़ियां देख के क्रॉस करना भाई, गाड़ियां देख के रोड देख के। बौवा बौवा इसका मुंह बताएं, पहले सिलेंडर तो जलाओ। बचस कर गई दे, सही कड़क कोसी फिर हाले रंग ही नहीं निकलता चार कड़क, और कौन सा कलर आएगा काला। फैंटास्टिक फैंटास्टिक टी फैंटास्टिक टी। ये थोड़ी देर और देखना ज्यादा फैंटास्टिक हो जाएगी। नहीं आपका ख्याल, आपने तो सिलेंडर लगाया हुआ, सारी गर्म हो जाएगी। गोरी टाउन में रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ तो लाइट नहीं है, सोलर भी हमने लगाया हुआ है, लेकिन ये जहाँ भी हसन साहब खंबा देखते हैं ना लाइट वाला, वो ऊपर आप दिखा रहे हैं, इधर से पता नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं, वो नजर आ रहा है वैसे, वो देखें तीन चार बार ये बंदा जो है ना मुझे टोंट मार चुका है, कहता जी काशिप साहब वो ऊपर देखें जी खंबा लगा हुआ बिजली वाला ना, मैं कहता हूँ हाँ जी लगा हुआ, कहते देखें इधर लगा हुआ आपके और ही में लगा, आपका जो है आप हर टाइम रोते रहते हैं, जब कॉल करो यार लाइट गई हुई है लाइट गई हुई है, और महीने बाद जब बिल आता है फिर भी रोते हैं ये, तो आपसे बेहतर ही है।
फिर ब्रेक लगा दी और नोई, यहाँ से चिकन हमने ले लिए और आगे जो है कोई फिट सी लोकेशन दे के वहाँ पे कुकिंग करेंगे। चलें चलो चलो जी। अरनोई बाज़ार ये फुल है, पानी निकल रहा है। अरनो बाज़ार, अरनो अरनो बाज़ार है कि अरनोई? अरनो बाज़ार, अरनो बाज़ार। उस साइड से हम आए हैं, यहाँ पे रिहाइश के लिए होटल भी मौजूद हैं, लोकेशन भी अच्छी है, अगर यहाँ पे बंदा रुकना चाहे तो रुक सकता है। यहाँ पे क्या है जी, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें जी, ये पीछे पानी जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये पता नहीं ग्लेशियर का पानी आ रहा है, तो चश्मे का आ रहा है। ये साइड पे निकलेंगे, बिल्कुल लेवल पे आ गए हैं इसके, आगे फिर चढ़ाई आ जाएगी। चलो जी, ये जगह पसंद आई है जी, पर हमारा प्रोग्राम है इधर खाने का कुछ कर लें, वैसे भी अंधेरा पड़ता जा रहा है। एंड में आके जो है ना बात हसन साहब वाली फिर आ जाती है याद, कि सूरज ग्रुप हो जाएगा, इधर बैठते हैं और खाना बनाते हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं। जी भाइयों, इस वक्त हम रुके हैं, पहुँचिएगा गाइस साहब, एक जगह पे रुके हम, अच्छी लोकेशन लगी है ये, तकरीबन नूरी वाटरफॉल से जो है वो, जब आप नूरी वाटरफॉल इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो उस रास्ते में ये जगह आती है। वैसे हमारा प्लान था, आज जब हम सुबह निकले हैं तो हमारा प्लान था कि हम जो है वो पीर चनासी जाएं, लेकिन फिर रास्ते में एक छोटा सा हादसा हो गया हमारे साथ, तो फिर हमने प्लान को जो है वो चेंज कर लिया और फिर हमने ये प्लान किया कि घर को निकलते हैं और जो रास्ता हम इख्तियार करते हैं वो गलियात वाला, गलियात रोड जो है वो वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। ये रोड जो है वो नथिया गली से आगे एबटाबाद, ये आई थिंक आता है इसमें हवेलियाँ और उससे पीछे जो है वो हरो, आई थिंक इसी तरह से कोई जगह का नाम था, वहाँ से हमने चिकन वगैरह खरीदा। तो यह है कि ओवरऑल जो सफ़र था, मतलब ख़ास तौर पे जो उससे आगे नथिया गली के बाद, वो बड़ा बेहतरीन था, रोड बहुत ज़बरदस्त थी। और जब हवेलियाँ का मेन बाज़ार हमने क्रॉस किया तो वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही वीआईपी किस्म की जो है वो रोड बनी हुई है, उस पर राइडिंग करने का जो है वो
एक अपना ही मज़ा है। ख़ास तौर पे बाइक पे जाएं या गाड़ी पे, चढ़ाइयाँ हैं थोड़ी सी सख्त है, चढ़ाइयाँ गाड़ियों को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो रोड बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो अभी तकरीबन जो है सूरज या पहाड़ों के पीछे छुप गया, अंधेरा पड़ने लगा है। तो अभी हमने आखिरी स्टॉप लिया है यहाँ पे खाना शाना तैयार करने, पीछे आप देख रहे हैं कि काजी साहब लगे हुए हैं जल्दी जल्दी कढ़ाई तैयार करने। रोटियाँ वगैरह तो हमने रास्ते से खरीद ली थी और अभी बस यहाँ से खाना खाएँगे। तो दुआ करें जल्दी से कढ़ाई तैयार हो जाए, भूख भी बड़ी शदीद लगी हुई है। तो फिर अपने घर को निकलेंगे, सफ़र की कढ़ाई तैयार करेंगे और खा के फ्राई भी शक करें आप। तैयार होगी कढ़ाई, रोटियां निकालें, बिस्मिल्लाह करें, धनिया फेंकें होगा। जी व्यूअर्स, अल्लाह का शुक्र है कि घर पहुंच गए, अभी भी अपने घर नहीं पहुंचे, अशरफ साहब के घर पहुंचे हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि सारा सफ़र जो है वो बेहतरीन गुजर गया। वीडियो कैंड पे जो एक बहुत ही अहम बात है वो आपको काश साहब बताएंगे, आज हसन साहब ही बताएंगे। नहीं जी दसो, तुझे ही दसो, तुसी हमेशा एंड पे दसने हो। मैं चाय पीन दे। चलो जी वो जी बता रहे, मैं ही आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने कभी नहीं भूलना। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।